अब्बू के जाने के 4 दिन के बाद आज बल्कि 5वां दिन है और ये पहला जुमा पड़ रहा है। ये पहली वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर। मेरे फादर हाजी अमीर अहमद, उनकी डेथ हुई है अभी। फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर शाबान है यानी संडे का 11 फरवरी उनकी तदफीन हुई है। दिल बहुत बोझल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मेथी के पराठे बना लूँ। लेफ़्ट ओवर मेरे पास मेथी आलू, मेरे फादर को, मेरे अब्बू को भी ये मेथी आलू बहुत पसंद थी, इस तरह के पराठे उन्हें बहुत पसंद थे। पर मैं ना जा सकी पाकिस्तान और उनकी तदफीन हो गई और उनका मैं आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी, जो कि मेरे लिए एक बहुत अफसोस वाली बात है, बल्कि पूरी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहेगा। तो बस दिल कुछ भी नहीं कर रहा था, क्या करूँ, लेकिन ज़िंदगी है, चलती है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर मेथी आलू का मिक्सचर था, ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, तो सोचा कुछ ना कुछ तो करना है, अपने आप को मसरूफ़ करना है। तो बस आज सोचा कि वीडियो बनाऊं और कुछ आप लोगों से, YT फैमिली, YouTube फैमिली जो मेरी, उनसे कुछ मैं बातें कर सकूं। बहुत दिल गमज़दा है, बहुत दिल गमगीन है। बस इस तरह मैंने ये 2 पेड़े बना लिए हैं, उनको रोटी की शेप दे दूँगी और इसके बीच में मैं स्टफ़ जो हमारा ये आलू मेथी का मिक्सचर है उसको कर मैं इसके ऊपर जो है अपना ये अपना थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे बेल लूँगी ताकि मिक्सचर बाहर ना आए। यहाँ जो हमारे परदेश में मसले मसाइल हो जाते हैं, इस वजह से हम अपने प्यारों को नहीं देख सकते और फिर माँ बाप तो बहुत बड़ी नेमत होते हैं। ये देखें, मैंने 2 रोटियाँ बेल ली हैं और एक को मैंने रख दिया है। अब इसके बीच में मैं स्टफिंग करूँगी। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो वीडियो बनानी है, तो सोचा चलो आज यही वीडियो बना लूँ। अब्बू को भी इस तरह के खाने बहुत पसंद थे, सोचा था जाकर कुछ खिदमत करूँगी, पाकिस्तान 3-4 महीने रहूँगी और कुछ खिदमत करूँगी, मगर वो मुझे ना मिला खिदमत करने का मौका और ना ही आखिरी दीदार नसीब हुआ। मेरी YT फैमिली, YouTube फैमिली, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वालिद मोहतरम अमीर अहमद हाजी जो है उनके लिए दुआए मग़फ़रत कीजिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फ़रमाएँ। ये देखिए, ये स्टफिंग मैंने कर ली है और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन मैंने कहा वीडियो अपलोड करनी है तो आज मैंने कहा मेथी के पराठे जो हैं वही बना लेती हूं और इंशाल्लाह अब जो है रमज़ान करीम की रेसिपीज़ आती रहेंगी। और बस माँ बाप अगर ना हो तो फिर इंसान बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस करता है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं, जिन जिन के पास माँ बाप की नेमतें मौजूद हैं उनकी कदर कीजिए, उनके लिए जो है दुआए मग़फ़िरत, और जो गुज़र चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जो है और उनके लिए बख्शिश अल्लाह ताला फरमाए, और जिनके पास ये नेमतें हैं उनकी खूब कदर कीजिए, खूब एहसास कीजिए, खूब खिदमत कीजिए, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जब नहीं होते तो इंसान फिर सोचता है कि अब हमारी खैर खबर लेने और हमारे लिए दुआ करने वाला अब कोई बाकी नहीं। तो ये देखें, ये स्टफिंग हो गई है यहाँ पर और अब मैं जो हूँ इसके ऊपर दूसरी रोटी डालकर इसे अच्छी तरीके से तमाम एजिस को पैक कर लूँगी। तो बस वीडियो तो बनानी थी, बस जिस तरह बन रही है वीडियो मैंने सोचा इसे अपलोड कर देती हूँ। ये हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है मेथी आलू का और बहुत बड़ा है माशाल्लाह, इसे 2 लोग पेट भर कर खा सकते हैं। मैंने जो है पैन में डाल दिया है ये अपना पराठा और जो है इसके बाद इसे मैं सेक रही हूँ। ये मेरा दूसरा पराठा है, मैंने सोचा कि पहले पराठे की जो है वीडियो नहीं बन पाई तो ये दूसरा पराठा है। ये थोड़ा छोटा है, वो बहुत बड़ा था, बहुत यानी कि आराम से 2 आदमी पेट भर के खा सकते हैं 2 पर्सन के लिए। ये जो है थोड़ा उससे छोटा है, तो मैं इस तरह हल्के हल्के से ऑयल लगा के मैं इसे सेक रही हूँ। चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होते हैं। चाय के साथ खा लें, अचार चटनी के साथ खा लें, बहुत ही मज़ा देते हैं ये पराठे। तो ये मेरे फादर, मेरे अब्बू को भी इस तरह के पराठे बहुत पसंद थे। मैं अब्बू का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी, वीडियोस आ गई थी, मेरे तमाम जितने ब्रदर्स हैं वहाँ पर बहुत उन्हें अफसोस हुआ तुम नहीं पहुँची, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, इस तरह स्टफिंग जो करने के बाद मैं इसे बहुत गर्म गर्म है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही खाने में डिलीशियस, मज़ेदार, शानदार, जायकेदार,
तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। चटनी के साथ, अचार के साथ ज़रूर इसे नोश फरमाएं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नई प्रेजेंटेशन, नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम।